माफिया अतीक अहमद के गैंग के बाद अब उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई। आज उनकी साढ़ू इमरान अहमद के मकान को पीडीए के बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया। ये आलिशान मकान है इमरान अहमद और उनके भाइयों का जो पुश्तैनी है, जिसे जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जेसीबी और पोकलैंड लगाकर गिरा दिया है। करोड़ों की लागत से बना मकान जो करीब 2500 वर्ग गज में बना है, इसी मकान में इमरान का पूरा परिवार रहता है। दोपहर बाद जब परिवार वालों को जानकारी हुई कि आज उनका मकान गिरने वाला है तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते भारी मात्रा में पुलिस बल व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अपने साथ लाए मजदूरों से घर का सारा सामान बाहर निकालने के बाद मकान को गिराना शुरू कर दिया। मकान गिराने के पीछे वजह जो सामने आई है वो देवरिया जेल में अतीक अहमद द्वारा प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट में इमरान का भी हाथ था। उसी मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया है, तब से इमरान खान फरार चल रहा है। अतीक के बाद एक एक कर प्रयागराज के सभी बड़े माफियाओं के मकान गिराने की कार्रवाई जारी है। फिलहाल अब अतीक के साथ जुड़े उन तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं और सभी को अपना आशियाना खोने का डर सता रहा है। दस्तक भारत के लिए प्रयागराज से नौलाख सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।